हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के पास एक कमाल की वीडियो लेके, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन पे आपको एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से हज़ारों नहीं लाखों रुपया कमा सकते हैं। आपने सही सुना, लाखों रुपया। मैंने खुद यहाँ से लगभग 10,000 प्लस विड्रॉल कर चुका हूँ और अभी भी एक ज़बरदस्त तरीके से अर्निंग हो रहा है। कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आपको भी इनकम चाहिए तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। तो चलिए और लेट ना करते हुए हम ओपन कर लेते हैं लकी पट्टम एप्लीकेशन को। लकी पट्टम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए ओपन हो चुका है, मैं माई पे जाऊँगा। माई पे जाने के बाद विड्रॉल रिकॉर्ड पे जाऊँगा, सॉरी यहाँ पर नहीं शो होगा, विड्रॉल पे जाऊँगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा टोटल विड्रॉल जो हुआ 10,245 रुपया, ये मेरा बैंक अकाउंट पे आ चुका है और 3,690 रुपया अभी भी वॉलेट पे पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से इनकम कर पाएंगे और क्या करना पड़ता है इनकम के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्क करना है, एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं पूरा डिटेल में बात करेंगे आज। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जब होम पे क्लिक किया हूँ, देखिए होम पर क्लिक करने के बाद टोटल टास्क यहाँ पर शो हो चुका है। तो मेरा टोटल जो टास्क है 130 रुपया का, अगर मैं पूरा टास्क कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 130 रुपया मिलेगा। तो टास्क कंप्लीट करने की पहले आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन की लिंक। उस एप्लीकेशन की नाम है रियल नंबर। आप यह रियल नंबर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। पर इंडिया लिखा हुआ है और प्लस 91 ऑलरेडी है, तो उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे, कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है, तो मैं एक कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, देख सकते हैं इस तरह की कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एक नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है 1,000, तो 1,000 सेलेक्ट कर लिया हूँ। ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ये 100 तक जब आ जाएगा तो मेरा पास ऑटोमेटिक मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएगा या जेनरेट हो जाएगा। वहाँ पर जब 100% पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सब हट जाएगा, फिर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बैंक जाना है। आपको ओपन करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं सबसे नीचे जो एक लोगो दिख रहा है मैसेज की, उसको क्लिक किया हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारा व्हाट्सएप नंबर जेनरेट हो चुका है, देखिए अच्छे से। तो अभी मुझे एक ग्रुप बनाना है जिसमें 60 लोगों को ऐड करना है, तो न्यू ग्रुप में क्लिक करूँगा। करने के बाद इस तरह से मुझे 60 लोगों को ऐड करना है। आप लोग सबसे ऊपर देखिए मैं 61 लोगों को ज्वाइनिंग कर लिया हूँ ग्रुप में, फिर मैं इसमें क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पर ग्रुप के नाम डाल दूँगा, कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं लकी पट्टम ही डाल देता हूँ। तो मैंने ग्रुप का नाम भी डाल दिया लकी पट्टम, फिर इसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए ग्रुप बन चुका है तो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जाना है, जाने के बाद यहाँ पर ग्रुप लिंक पे जाना है मुझे, तो इनवाइट भाया लिंक इसमें क्लिक करना है, कॉपी टू लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी हमें ओपन कर लेना है लकी पट्टम को, देखिए तो मैंने लकी पट्टम को ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए फाइंड ग्रुप 50 पीपल जो है, इसमें क्लाइम टैक्स लिखा हुआ है, क्लाइम टैक्स में क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्लेम टैक्स पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देखिए होम है, फिर उसके पास में टास्क है, तो टास्क में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोसेस में आया है, प्रोसेस में आने के बाद टू फिनिश पर क्लिक करेंगे। टू फिनिश पर क्लिक करने के बाद जो मैंने ग्रुप बनाया था उसी ग्रुप की लिंक को यहाँ पर डालना है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दबा के रखूँगा तो यहाँ पर पेस्ट करने के ऑप्शन आ गया, तो मैं पेस्ट पर क्लिक करूँगा। देखिए ग्रुप लिंक यहाँ पर आ चुका है, फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेट की प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ है सक्सेस होने में, तो आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पेंडिंग में है, थोड़ा देर बाद ओपन करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। अभी मुझे आना है सेकंड टास्क में, सेकंड टास्क हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो भी बता देता हूँ। फिर से हम आ जाएंगे होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक टास्क, इसमें क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिस मोबाइल नंबर से आपने फेसबुक पर लॉगिन करके रखा है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। वो नंबर डालने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो नंबर ऐड हो जाएगा, फिर हम बैक कर लेंगे। अभी क्लेम टैक्स पर क्लिक करेंगे, क्लेम टैक्स पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल हो चुका है, हम फिर टैक्स में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से पेंडिंग सॉरी प्रोसेस में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर टैक्स ओपन हो चुका है, तो हम टू फिनिश पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम चला जाएंगे अपना फेसबुक पर, तो मैं आ जाता हूँ फेसबुक पर। तो देखिए मैं फेसबुक पर आ चुका हूँ,
फेसबुक पे आने के बाद इसमें क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद ये जो पेज आएगा इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर तीन डॉट डॉट है, इसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद आ जाएंगे हम सेटिंग पे, तो देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी, वहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, सेटिंग प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद फिर सेटिंग पर आएंगे। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, लेने के बाद सीधा सा बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद जो मैंने मैसेज को कॉपी किया था लकी पट टाइम से, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ फिर भी लकी पट टाइम को। देखिए टास्क पर आऊँगा, यहाँ पर देखिए मैं एक मैसेज को कॉपी किया था इसी को, इस मैसेज को फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे। करने के बाद फेसबुक पर आ जाएंगे, तो मैं आ जाता हूँ फेसबुक पर। देखिए मैं फेसबुक पर आ चुका हूँ, मैं बैक करूँगा। बैक करने के बाद एकदम सीधा होम पेज में आ जाऊँगा। होम पेज में आने के बाद यहाँ पर मैं मैसेज की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर पोस्ट करूँगा। देखिए मैं पेस्ट कर दिया हूँ, पेस्ट करने के बाद इसको पोस्ट कर दूँगा। पोस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, सॉरी यार स्क्रीनशॉट कर लूँगा। तो मैंने टोटल तीन स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो यहाँ पर अपलोड स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे, जो जहाँ पर प्लस की आइकॉन है उसमें क्लिक करने के बाद पहले इसमें क्लिक करेंगे, फिर एक फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे ओके पर क्लिक कर देंगे तो एक फ़ोटो सिलेक्ट होगा। तो हमें प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद इमेज को अपलोड कर देना है, तो मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार टास्क कंप्लीट कर लिया हूँ उसी फेसबुक आईडी से, इसीलिए नहीं हो रहा। तो आपको इसी तरह तीन जो स्क्रीनशॉट लिया तीनों को अपलोड करना है एक एक करके, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताऊँगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप की जो है 30 रुपये की टास्क को, तो क्लाइम टास्क में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद हम आ जाएंगे टास्क पे। टास्क पे आने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ पर टू फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से फिर इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर देखिए लुक एट ऑल, हम लुक एट ऑल पे क्लिक करेंगे। करने के बाद ऑन क्लिक इम्पोर्ट, इसमें क्लिक कर देंगे, तो जितना भी नंबर यहाँ पर है सब कुछ पूरा नंबर मेरा मोबाइल पर सेव हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस मैसेज को कॉपी कर लेना है। मैसेज को कॉपी करने के बाद मैं व्हाट्सएप पे आऊँगा। व्हाट्सएप पे आने के बाद सबसे नीचे देखिए एक लोगो है, लोगो पर क्लिक करूँगा। करने के बाद न्यू ग्रुप बनाना है, तो न्यू ग्रुप में मुझे सिर्फ 20 लोगों को ऐड करना है। तो इस लोगों को मैं पहले एक ग्रुप में ऐड कर लिया हूँ, तो इनको छोड़ दूँगा, उनके नीचे से मैं पकड़ूँगा। तो मैं यहाँ से 1262 से लोगों को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो 1270 से पकड़ लूँगा। देखिए मैं इस तरह से 20 लोगों को ऐड करूँगा, सॉरी 20 लोगों को नहीं 26 लोगों को ऐड करूँगा। तो ऊपर देखिए मैं 26 लोगों को ऐड कर दिया हूँ। 26 लोगों को ऐड करने के बाद मैं तो लकी पट टाइम के थ्रू से नंबर सेव किया हूँ, उसी नंबर को निकालना है। लकी पट टाइम से जो नंबर मिला है आप देख सकते हैं, वो भी मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सेव हो चुका है व्हाट्सएप पे। तो मैं इन लोगों को भी ऐड कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से ऐड कर लेना है सबको। इतना नंबर आया था, लगभग 30 नंबर आया था, देख लेते हैं कितना नंबर है। तो आप लोग से देख सकते हैं मैं सबको ऐड कर दिया हूँ। फिर मैं इसी लोगों पर क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पर ग्रुप में कुछ भी एक नाम डाल दूँगा, तो मैं नाम डाल देता हूँ। देखिए आप ग्रुप में नाम डाल दिया हो, डालने के बाद इसमें क्लिक करूँगे। करने के बाद देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑलरेडी हो गया, तो मैं कैंसिल पर क्लिक करूँगा। ये जो ग्रुप है वो ग्रुप हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद ये जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद सेंड कर दूँगा। ठीक है, सेंड करने के बाद ग्रुप की एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, फिर मैं ग्रुप नाम पर क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पर देखिए इनवाइट भाया लिंक पर क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक पर क्लिक कर दूँगा। तो मैंने कॉपी लिंक पर भी क्लिक किया हूँ, अभी जो काम है फिर मैं नाम पर क्लिक करूँगा, ग्रुप नाम पर। यहाँ पर जो नंबर शो हुआ था, ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये छोड़ के बाकी जो नंबर सेव हुआ था मुझे लकी पट टाइम से, इसको सबको एडमिन बना देना है। तो मैं सबको एडमिन बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लकी पट टाइम की शुरू से जो भी नंबर मिला था सबको मैं एडमिन कर चुका हूँ। यहाँ पर एडमिन करने के बाद हम सीधा चले जाएंगे अपने लकी पट टाइम एप्लीकेशन पर। जो लिंक कॉपी किया हूँ उसी ग्रुप की लिंक को यहाँ पर डाल देना है, ग्रुप लिंक पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे प्लस की लोगो है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इमेज आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको सेलेक्ट कर लेना। देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, फिर नीचे ओके पर क्लिक किया हूँ। यहाँ पर मेरा अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पहले से टास्क कंप्लीट कर दिया हूँ, तो आपका अपलोड हो जाएगा।
अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट की ऑप्शन है नीचे, तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपकी टास्क ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह आपको पूरा टास्क कंप्लीट करना है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए।